इस्लाम दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जो बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है, जो आज दुनिया की 23% आबादी के साथ ईसाइयों के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2070 तक इस्लाम दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला धर्म बन जाएगा। इस्लाम या मुसलमान, ये शब्द सुनते ही मन में एक सवाल उठता है कि भारत तो हिंदुओं का देश था, फिर यहाँ मुसलमान कहाँ से आ गए और इनकी तादाद इतनी ज्यादा कैसे हो गई? तो दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि हिंदुस्तान में इस्लाम कहाँ से आया और कैसे इन्होंने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया। दोस्तों, बात उस समय की है जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और पूरी दुनिया के व्यापारी व्यापार करने के लिए भारत आते थे। उस समय ही अरब से भी कुछ व्यापारी केरल के मालाबार के तट पर व्यापार के लिए आते थे और उन व्यापारियों से प्रसन्न होकर केरल के मालाबार में अरब व्यापारियों के लिए वहां के राजा ने एक मस्जिद बनवाई। ये भारत की धरती पर पहली मस्जिद थी और हमारी पहली गलती भी। दोस्तों, 711 ईस्वी में मुसलमानों ने भारत पर पहला हमला किया था। दोस्तों, 711 ईस्वी में इराक के बगदाद से एक व्यापारियों से भरा जहाज भारत में व्यापार के लिए आया। रास्ते में समुद्री लुटेरों ने उस जहाज को बंधक बना लिया। जब यह खबर बगदाद के राजा हजाज बिन यूसुफ को पता चली तो उन्होंने अपनी सेना के सबसे बेहतरीन लड़ाके बिन कासिम को 6,000 सैनिकों के साथ अपने जहाज को छुड़ाने के लिए भेजा और जिस जगह उस जहाज को बंधक बनाया गया था वो जगह सिंध के राजा दाहिर के राज में आती थी, जो उस समय काफी छोटा सा राज्य था। इस बात को लेकर वो लोग पहली बार भारत में आए और जब वो लोग भारत में आए तो उन्होंने देखा कि यह जगह तो बहुत अच्छी है, यहाँ तो लोग बहुत सुख संपन्न हैं, साधन संपन्न हैं और यहाँ के लोगों के पास काफी ज्यादा पैसा है। और इसी बात को लेकर उन्होंने सिंध पर हमला कर दिया और राजा दाहिर को हरा कर वहां से इस्लामिक राज्य की शुरुआत की और अपना राज्य स्थापित किया। और उसके बाद जंग का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और बिन कासिम ने एक के बाद एक कर कई छोटे छोटे राज्य जीत लिए। दोस्तों, इस तरह मुसलमान पहली बार हिंदुस्तान में भारत में दाखिल हुए और एक कोने में भारत के एक कोने में सिंध में अपना राज्य स्थापित कर लिया। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि मुसलमान जहाँ कम होते हैं वहाँ काफ़ी मिलजुल कर रहते हैं, तो शुरुआत में मुसलमान काफ़ी मिलजुल कर रहते थे। और दोस्तों, देश में मुसलमानों का राज हुआ इसमें कहीं ना कहीं हमारी मतलब हिंदुओं की काफ़ी गलती थी, क्योंकि जिस समय बिन कासिम ने सिंध को जीता था उस समय हिंदुस्तान में छुआछूत और ऊंच नीच और जात पात काफ़ी चरम पर थी और नीची जात के लोगों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, जिस कारण से वो सूफी संतों की दरगाहों पर जाने लगे और सूफी संत उन्हें भैला फुसला कर और ऊंच नीच और छुआछूत का बहाना देकर इस्लाम में कन्वर्ट करते गए। दोस्तों, अगर उसी समय बिन कासिम को हिंदुस्तान से खदेड़ दिया जाता तो हमारा देश कभी मुसलमानों का गुलाम नहीं बनता और देश में आज इतनी तादाद में मुसलमान कभी नहीं होते। लेकिन हिंदू धर्म तरह तरह की जातियों में बटा पड़ा है और आपसी फूट के कारण मुसलमानों को ये मौका मिल गया और उन्होंने हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया। दोस्तों, हिंदुस्तान में इस्लाम का जिक्र हो और औरंगजेब का जिक्र ना हो तो शायद ये कहानी अधूरी ही रह जाएगी। औरंगजेब को मुगलों का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। भारत में सबसे बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन औरंगजेब के समय पर ही हुए थे। उसने जबरन धर्म परिवर्तन करवाए थे और हजारों मंदिरों व गुरुकुलों को तोड़कर वहां मस्जिदें व मदरसे बनवाए। कहा जाता है औरंगजेब का सपना था पूरी दुनिया पर इस्लाम स्थापित करना और गैर मुसलमानों को मुस्लिम धर्म में लाकर इस्लाम को बढ़ाना। दोस्तों, उसने गैर मुसलमानों पर तरह तरह के कर भी लगाए ताकि वो इस्लाम धर्म कबूलें। औरंगजेब का पूरा शासनकाल धर्म परिवर्तन के लिए युद्धों में ही बीत गया और 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल साम्राज्य आर्थिक रूप से बहुत ही कंगाल हो चुका था, क्योंकि वह हर समय युद्ध करता रहता था और आप जानते हैं युद्ध में कितना खर्च होता है।
दोस्तों इस आर्थिक रूप से कंगाल और धर्मों और जातियों में बटे हुए भारत को गुलाम बनाने में अंग्रेजों को कोई खासी मशक्कत नहीं करनी पड़ी और अंग्रेजों ने बड़ी ही आसानी से धर्म और जातियों में बटे हुए हमारे देश पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, हिंदुस्तान में कैसे आया इस्लाम और कैसे इस्लाम को बढ़ावा मिला। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।